Now, in this topic, we will discuss regarding burns, frostbite, bleeding, and electrocution. Uh, firstly, we will uh, understand this thing that what is a burn? A burn is a damage to the skin caused by contact with dry heat. It may be caused by fire, flames, steam, hot liquid, hot matter. सन लाइट इलेक्ट्रिसी और केमिकल्स, ठीक है जो आ, बर्न्स होते हैं बर्न्स किसको बोलते हैं ये जलने को बोलते हैं जब हमें कोई ड्राई हीट जो हो ड्राई गर्मी से हम जले, तो उसे बर्न बोलते हैं वो तो हम आग से या किसी फ्लैम से या कभी कहीं भाप से स्टीम से या कोई हॉट लिक्विड से या किसी हॉट मेटल को छू लिया उससे जल गया या सनलाइट से जल सन बर्न हो गया इलेक्ट्रिसिटी से जल गए या किसी और केमिकल से जल गए इसको ये बर्न्स कहते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न्स है यहाँ पे जैसे कि हम डिग्रीज़ देखते हैं बर्न्स की डिग्रीज को जब हम देखेंगे यहाँ बर्न्स के टाइप को हम देखेंगे एक बर्न तो होता है दैट इज़ सुपरफिशियल दैट मीनस वो ऊपर वाली लेयर ले, स्किन की ऊपर वाली लेयर को ही डमेज करता है ठीक है जिसको फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे फर्स्ट डिग्री बर्न ठीक है ये दूसरा जहाँ पे हम आप देखेंगे ब्लस्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ द सेकेंड डिग्री बर्न ठीक है पार्शल थिकनेस यहाँ पे हो जाती है ये ठीक है ब्लिस्टर्स आ जाती है स्किन पे

तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फर्स्ट डिग्री बर्न जिसको सुपरफिशियल बर्न भी कहते हैं इट इन्वॉल्व्स ओनली टॉप लेयर ऑफ द स्किन एंड इट इज़ रेड एंड ड्राई एंड द बर्न इज जनरली पेनफुल द एरिया में स्वेल मोस्ट बर्नस और फर्स्ट डिग्री बर्न यूजअली जो भी हम बर्ंस देखते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्नस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं ठीक है ठीके? कभी कभी यहाँ पर स्वेलिंग भी होती है या कभी नहीं होती है दूसरा सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है जो पार्शल थिक जिसमें पार्शल थिकनेस होती है इट इन्वॉल्व बोथ द एपिडर्मस एंड डर्मस इसमें एपिडर्मिस और डर्म्स पहली पहली डिग्री में से एपिडर्म्स ही इन्वॉल्व होती है इसमें डबर वाली लेयर जिसको एपिडर्म्स कहते हैं और इसके अंदर वाली डर्म लेयर जो होती है जिसको डर्म्स कहते हैं ये ये भी इफेक्ट हो जाती है द एरिया इज रेड एंड ब्लिस्टर्स में ओपन ऑन वी फ्लूड ठीक है तो इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं जो जिस जिनके अंदर फ्लूड भरा हुआ होता है मेकिंग द स्किन अपेयर वेट इससे स्किन वेट लगती है दीज टाइप्स ऑफ बर्नस और यूजअली पेनफुल एंड द एरिया ऑफ एन स्वेल्स ठीक है स्वेलिंग होती है देन थर्ड डिग्री बर्न जो जहाँ पे फुल्ली थिक होता है ये इट डिस्ट्रॉयज बोथ द लेयर्स ऑफ द स्किन विद मसल्स यहाँ पे एक तो दोनों लेयर्स स्किन की डर्म्स एंड एपिडर्मिस मसल्स बोन्स ठीक है ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ये सब जल जाते हैं दीज बर्न्स में लुक ब्राउन और चेर्ड विद टिशू अंडर मिथ इसमें हमें टिश्यूज़ तक दिख सकते हैं अंदर के तो ये वाले बर्न जो है ये उतने पेनफुल नहीं है ठीक है समटाइम्स इट अपेयर्स वाइट ठीक है अब हमने देखना है वॉट आर द डूज एंड डू नाट्स ड्यूरिंग बर्न जब कोई जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ को हमने रोकना है क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए स्टे काम पहले ये हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है परेशान नहीं होना हमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना है हमें पॉजिटिव रहना है प्लेस इफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर फॉर एट लीस्ट फिफ्टीन मिनट्स पंद्रह मिनट के लिए हम पहले ही इसका फर्स्ट एड करेंगे इसको ठंडे पानी में रखें रिमूव वॉच बेल्ट एट अदर कंस्ट्र कंस्ट्रक्टिंग अटैम्प ठीक है आइटम्स जो भी हमें वॉच बेल्ट या कोई भी चीज़ ऐसी पहनी हो ज्वेलरी वगैरह पहनी हो हमें उन उसको रिमूव करना है निकाल देना है ठीक है रश बर्न विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल अटेंशन अगर हमें लगे बर्न सेकेंड डिग्री का हो थर्ड डिग्री का हो तो हमें तुरंत ही पेशेंट को हॉस्पिटल ले लेना है और कौन सी चीज़ें हमें रोकनी है वी शुड वी हैव नॉट टू बी पेनिक हमें पेनिक नहीं होना है हमें टेंशन नहीं लेनी है अटैम्प्ट रिमूव एनी थिंग डायरेक्टली स्टिकिंग टू ए बर्न तो ये हमें एहतियात से जो कोई भी चीज़ हम इसे रिमूव कर रहे होंगे तो हमें उसे एहतियात से निकालनी है एहतियात से अगर कोई चीज़ चिपक गई होगी तो उसको एहतियात से उठाना है कपड़ा हो कोई वॉच हो कोई ज्वेलरी हो या ऐसा कुछ उसको निकाल देना है अप्लाई एनी लोशन ऑइंटमेंट टू द इफेक्टेड एरिया अगर हमारे पास कोई लोशन है कोई ऑइंटमेंट है तो उसे फ़ौरी तौर ही लगाए इसके बाद ये बर्न्स के बाद हम फ्रॉस्ट बाइट पर आते हैं फ्रॉस्ट बाइट यूजली जो हमें विंटर्स में यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं फ़्रॉस्ट बाइट अकर्स वन बॉडी टिश्यू फ्रीजेस आफ्टर एक्सपोजर टू द ब्लो ज़ीरो टेम्परेचर्स ठीक है freezes, uh, zero जब ब्लो ज़ीरो टेम्परेचर हो टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री जैसे कि हम यहाँ पे विंटर्स में देखते हैं ठीक है थीके? वो इंजरीज हो जाती है जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसको हम कश्मीरी में शू भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो फ्रॉस्ट बाइट वही इंजुरी है ठीक है कॉज्ड बाई सीवियर कोल्ड एंजुरी टू समन caused by severe cold usually to their toes fingers ears or nose that causes permanent loss of tissue so ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है इसमें लॉस ऑफ़ टिश्यूज़ होते हैं लॉस ऑफ सेल्स होते हैं ये यूजुअली ऑकर होता है टोज़ पे टोज़ जैसे आप जानते हैं जो हमारे पैर होते हैं पैर की जो थंब होता है उसका टो होता है वहाँ पे ये हो सकता है फिंगर्स पे हो सकता है ईयर्स पे होता है नोज़ पे हो सकता है ठीक है हमने क्या करना है अगर हमें फ्रॉस्ट बाइट हो ठीक है तो हमने क्या करना चाहिए डोंट यूज़ फायर हमें फ़ायर को इस्तेमाल आग को उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है इट कैन बर्न फ्रॉस्ट बाइटन फ्लश यहाँ पे फ्लश को जला सकता है यूनी वी शुड नाट रब इट हमें इसको रब नहीं करना है रबिंग कैन ब्रेक फ्रॉस्ट बाइटन से यहाँ पर भी स्किन ब्रेक हो सकती है डोंट पुट प्रेशर हमें प्रेशर इस पर नहीं डालना है डोंट वॉक ऑन फ्रॉस्ट बाइटन फीड अगर हमें फ़्रॉस्ट बाइट हो शू हो गया होगा ठीक है तो हमने क्या करना है तो हमें इस इ, इ, उन पैरों पे नहीं चलना है डू यूज बॉडी हीट तो हमने क्या करना है तो अनलाइक फायर दिस कैन नॉट बर्न यू तो हमने क्या करना है हमें हीटअप अपनी बॉडी को हीटअप uh, करना है फायर uh, को छोड़ के हमें गर्मी रखनी है डू यूज़ वार्म वाटर हमें वार्म वाटर को यूज़ करना है डू स्पोर्ट स्टेबलाइज ठीक है स्टेबलाइज एंड पैड द इंजर्ड एरिया हमें इसको पैड uh, करना है हमें इसको रैप करना है ये चीज़ें हमने करनी है तो इलेक्ट्रोक्यूशन नाव आफ्टर फ्रॉस बैट वी हैव इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रोक्यूशन किसको बोलते हैं जब हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए ठीक है उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन uh, कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन इज डेथ और सीवियर इंजरी बाई इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द बॉडी द वर्ड इज़ डिराइवड फ्राम इलेक्ट्रो एंड एक्जीक्यूशन बट इट इज़ ऑल्सो यूजड फॉर एक्सीडेंटल डेथ वट वी हैव टू डू When we have electrocution, okay, what is the first aid for electrocution? It is first aid for elec this electrical injury victim. Your electrocution, what we have to do first, we have to shut off the circuit, we have to disconnect the electricity, don't touch someone who is being electrocuted. You may be यू मे बी टू ओके यू हैव नॉट टू टच दैट वेरी पर्सन हु इज़ गेटिंग दिस इलेक्ट्रिक शॉक आपको उस बंदे को टच नहीं करना है छूना नहीं है जिसमें ये इलेक्ट्रिक शॉक लग जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया होगा या जो इलेक्ट्रोक्यूड क्यूडिड पेशेंट हो ओके दैन द सेकेंड थिंग इफ यू कैन नॉट फाइंड द सर्किट कंट्रोल ब्रे द विक्टम अवे फ्रॉम द कंटेक्ट पॉइंट यूजिंग ए नॉन कन्डक्टर लाइक ए पीस ऑफ वर्ड तो अगर आपको सर्किट ना मिले स्विच ना मिले तो आपने क्या करना है यू हैव आपको कोई ऐसी चीज़ जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसटी हो ठीक है नॉन कंडक्टर हो तो उससे इस बंदे को उस जगह से हटाना है इस शौक से बाहर करना है उस इलेक्ट्रिक वायर से या जिस जहाँ पे भी जहाँ से भी इसको शौक लग गया होगा वहाँ से उसको दूर करना है वेल यू आर डूइंग दिस गेट एल्स टू कॉल नाइन डबल वन अगर जब आप ये करते होंगे तो हम आपको उसी वक्त एमरजेंसी को कॉल करना चाहिए ओके एयर डू एंड डू नॉट्स फॉर इलेक्ट्रिक सेफ्टी इलेक्ट्रिक सेफ्टी पे क्या आपको करना चाहिए ओनली अथोराइज पर्सन शुड एंटर इन इलेक्ट्रिकल सब सब स्टेशन जो अथोराइज पर्सनस हो जो ट्रेंड पर्सन हो जिनको अथॉरिटी होगी वही इस सबस्टेशन पर जाए इलेक्ट्रिक पोल्स के के साथ टच करे बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल पैनल ऑलवेज वेयर आग फ्लैश सूट एंड इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लाउ्स अकॉर्डिंगली जो भी प्रिकॉशंस हमें दी गई होंगी जो हमें हमें electri, हमारे इलेक्ट्रिशियंस हो हमें इलेक्ट्रिक पर्सनल हो ठीक है तो उनको एज़ पर जो भी उनके डायरेक्शंस दी गई होती है उनको वो सब कुछ करना है उसके बगैर उस सेफ्टी के बगैर वहाँ नहीं जाना है फोर्थ हेयर वी हैव टू डिस्कस हेयर दैट इज़ ब्लीडिंग What is bleeding, and what should we do during bleeding, and what we should avoid during bleeding if somebody is bleeding? Okay, bleeding, also known as homo. होमोरज ठीक है जिसको ब्लीडिंग uh, को होमोरज भी कहते हैं होमोरेज और सिंपली ब्लड लॉस इज़ ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम डमेज ब्लड वेसल्स जब हमारी कोई ब्लड वेसल डमेज हो जाए तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ब्लड ये निकल जाता है ऊज आउट हो जाता है दैट्स कॉल्ड ब्लीडिंग ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली और एक्सटर्नली इधर थ्रू ए इन दिस नेचुरल ओपनिंग्स सच एज द माउथ नोज एयर यूरिट्रा, वजाइना और अनस और थ्रू द स्किन इसके लिए जो ओपनिंग्स है जहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है वो है हमारा माउथ हमारी नोज एयर ठीक है यूरिट्रा, वज़ाइना, अनस और कोई कहीं पे स्किन ब्रेक हो तो वहाँ से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है वाट वी हैव टू डू इफ समबड़ी इज़ ब्लीडिंग अगर कोई किसी को ब्लीडिंग हो, होती होगी तो हमने क्या करना चाहिए सिट इन अ चेयर और लीन द हैड फॉरवर्ड तो हमने पीछे की ओर सर नहीं करना है जो हम यूजअली करते हैं हमें चेयर पे बैठना है और अपने सर सर को थोड़ा फॉरवर्ड करना है ठीक है वाट विल हैपन बाय दिस वाई डूइंग दिस दिस विल प्रिवेंट एनी ब्लड फ्रॉम गोइंग डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट तो ये हमारे थ्रोट से ब्लीडिंग जो वापस हो जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है उससे बच सके और जो ब्लीडिंग हो वो वो वापस निकल जाए पिंच तो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ डायरेक्ट प्रेशर टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फोर फाइव टू टेन मिनट्स हमें हमें इसको पिंच करना है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज़ जो है इसको हमने पिंच करना है ठीक है इसको ये जो डायरेक्ट प्रेशर हम देते हैं इससे भी कंट्रोल हो सकती है ब्लीडिंग आइस पैक ऑन टॉप नोज एंड चीक तो आइस पैक को लगाने से भी ब्लीडिंग रुक सकती है ठीक है आइस पैक हम या तो नोज़ के टॉप पर लगा सकते ऊपर वाली नोज़ पर ऊपर से लगा सकते या हमारे अपने चीक्स पे लगा सकते हैं ये वो चीज़ें हैं जिससे हम ब्लीडिंग को रोक सकते हैं तो हमने कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है व्हाट वी हैव नॉट टू डू दैट इज़ लाइट डाउन और टिल्ट योर हेड बैक हमने सोना नहीं है लेटना नहीं है हमें अपने सर को पीछे की ओर नहीं करना है इससे क्या हो जा, जा हो सकता है दिस कैन कॉज ब्लड टू बी स्वेल लोड विशलीड टू चोकिंग नोशिया एंड वामिटिंग इससे क्या था? अगर हम पीछे हमारा खून अंदर जाएगा वापस जाएगा तो उससे हमें वामिटिंग हो सकती है नोशिया हो सकता है चौकिंग हो सकती है पिक और ब्लो योर नोज़ हमें उस वक़्त अपनी नोज़ को ब्लो नहीं करना चाह करना चाहिए ठीक है इससे क्या हो सकता है इससे ओवर ब्लीडिंग हो सकती है अगर हम अपनी नोज़ को ब्लो करेंगे टेक एंड एस्प्रिन हमें एस्प्रिन उस वक्त नहीं लेना है दिस कोड ओनली कॉज मोर ब्लीडिंग बिकॉज एस्प्रिन इज़ ए ब्लड थिनर एस्प्रिन एक मेडिसिन है जो ब्लड को थिन करते हमें उस वक्त नहीं लेनी चाहिए कि उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग टू डेज टॉपिक थैंक यू थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ टॉक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर और मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू थैंक यू